हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिहंत 14,000 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ को। मैं आपको बता दूं कि ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हाईली बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन सीरीज़ के पीडीएफ को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज़ करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत्स? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा साका, गुप्ता, हिजरी, ग्रिगोरियन। साका एरा को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कौन से उसमें? 78 साल क्या था? 78। गुप्ता 320। और हिजरी कैलेंडर वो है जो जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना की तरफ अपना पिलग्रिम स्टार्ट करते हैं तो वो 622 साल में करते हैं, वो है हिजरी। और ग्रिगोरियन जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि हम लोग जो अभी करेंटली इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो अपने कैलेंडर कौन से डेट को अडॉप्ट किए थे? मैं बताती हूँ आपको, वो डेट था 22nd ऑफ मार्च और ईयर था 1957। ओके, चलो नाउ लेट्स गेट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द होम ऑफ गार्गी, मैत्रेय एंड कपिला वॉज एट? इट वॉज़ एट मिथिला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 1997 का क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ या फिर साथ साथ में पैरेलली कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी का वीडियो सुने जो बताता है अपना स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली ये एग्जाम के लिए बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स? सो द करेक्ट आंसर टू इट विल बी मालवा। मालवा इज नोन एज अवंतिका। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स वॉज फेयरली इगैलिटेरियन। अच्छा, फेयरली इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है कि वहाँ कोई जाति भेदभाव नस्ल कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वेदिक एज? ओके, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेदा है और इस क्वेश्चन का आंसर भी ऋग्वेदा है, क्योंकि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है अर्ली वेदिक एज के बारे में वो ऋग्वेदा के थ्रू ही जान रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन पोस्ट गुप्ता एरा वॉज? पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता पीरियड के बाद, वो है नालंदा। नालंदा को किसने बनवाया था? वो कुमार गुप्त वन ने बनवाया था जो कि गुप्ता शासक था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाण भट्ट वॉज कोर्ट पोएट ऑफ? बाण भट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। अच्छा, हर्षवर्धन के ऊपर एक बायोग्राफी बाण भट्ट ने लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरिता। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी? इसका आंसर होगा राजावन। ये चोला डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, विच स्टेटमेंट ऑन हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, काउ वॉज सेक्रेट टू देम। ओके, यहाँ मैं एक चीज पॉइंट आउट कर दूँ कि काउ वॉज नॉट एट ऑल नोन टू देम। ओके, एंड पशुपति वॉज वेनरेटेड बाई देम। द कल्चर वॉज नॉट स्टैटिक। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4। अच्छा, पशुपति वॉज वेनरेटेड बाई द पीपल ऑफ IVC, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनसवेर, हाउ मेनी तीर्थंकर्स वेर देयर? यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेल यू दैट लास्ट वन वॉज महावीर। ओके, एंड फर्स्ट वन वॉज ऋषभ देव। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन्ड बाई कनिष्का। ओके, ये जो चाइनीज आजकल कॉपी करके सिल्क रूट बना रहे हैं ये एक्चुअली कनिष्का ने शुरू किया था। द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स? इसका आंसर होगा सतवाहन। जानते हैं आप कि सतवाहन जो हैं वो खुद ब्राह्मण्स थे, जैसे कि इनके पहले जितने भी रूलर्स थे
वो कास्ट बेस के हिसाब से कोई भी ब्राह्मण्स नहीं थे। जैसे गुप्ता जो थे ना वो वैश्य ग्रुप को बिलोंग करते थे, बाकी जितने राजा थे वो सब क्षत्रिय थे, परंतु ये जो हैं ये लोग क्या थे, ब्राह्मण्स, सातवाहन्स और ब्राह्मण्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज सुल्व सूत्राज, ठीक है, सुल्व सूत्राज में ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स रिलेटेड जितने भी हैं वो सब रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आपको छांदोग्य उपनिषद के बारे में पता है? छांदोग्य उपनिषद में कृष्णा जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं, प्लस छांदोग्य उपनिषद स्पेसिफिकली गांधी जी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। यवनिका और कर्टन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा ग्रीका। आप देख लीजिए कि ये CGL एग्जाम में आया था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये हर हर एग्जाम के लिए, स्टेट PCS के एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हु स्टार्टेड द साका एरा, अब साका एरा को किसने शुरू किया था, हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ये है कनिष्क, कनिष्क ने ही सिल्क रूट भी बनवाया था। वॉट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, कंपैशनेट बुद्धा, अजंता और इलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, वो है महाराष्ट्र में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, तो इंडिया को किसने इन्वेड किया था पहले, देरियस वन ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ओल्डेस्ट कौन सा है, ये है मौर्य। देखिए सबसे पहले आते हैं हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद आते हैं मौर्याज, गुप्ताज, ऐसे करके आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल जीवका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड, जीवक चिंतामणि किससे एसोसिएटेड है, जीवक चिंतामणि जैनिज्म से एसोसिएटेड है। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट इन कुशीनगर। अच्छा ये, अब मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त हुई थी, बोधि ट्री के नीचे, और आपको पता है कि बोधि ट्री को किसने कटवा दिया था, बोधि ट्री को शशांक ने कटवा दिया था, और शशांक किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था आपको पता है, शशांक गौडा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। मैं हम लोगों ने अभी हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था ना, हर्षवर्धन ने शशांक को जाके मारा था, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया था, और राजश्री जो कि इनकी बहन थी उसके हस्बैंड को भी मार दिया था शशांक ने। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स, अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप रहता है, आपका आंसर होगा इंडो ग्रीक्स, क्योंकि ये फर्स्ट बोले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने किया, वो किया कुशांस ने, मोस्ट में ये विमा कडफसिस, उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके कनिष्क, ये सब जो है ना ये लोग सारे के सारे आपके कुशान डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। Where is Brihadeshwar Temple situated? Brihadeshwar Temple is situated in Thanjavur या फिर तंजोर, ठीक है, और इसको चोलाज ने बनवाया था। In Tamil literature, the glorious books Shilapadikaram and Manimeghalai are related to. Now these two are related to Buddhism, ठीक है। Who established Mahabalipuram? Mahabalipuram was established by पल्लवा। अच्छा पल्लवा का आपको पता है स्पोर्ट्स कहते हैं, पल्लवा डायनेस्टी के, इनकी स्पोर्ट्स थी रेसलिंग। और चोलास के बारे में आपको बता रही थी ना कुछ देर पहले, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नेवल सुप्रीमेसी में थे। द साका एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था 78 AD, ये शुरू किसने किया था आपको बताया था मैंने, तो आंसर होगा कनिष्का। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस, ये कब आया था, ये आया था महायान सेक्ट। मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म में ना 4 काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, 4 काउंसिल्स। अब मैं आपको इसका ट्रिक भी याद करने को सिखा देती हूँ, ये कैसे होगा आपको पता है, आप याद करिए RVPK ऐसे करके याद करिए। तो पहला कहाँ था, राजगीर, दूसरा कहाँ, वैशाली, पी से हो गया आपका पाटलिपुत्र, के हुआ कनिष्क। अब मैं आपको बता दूं कि हीनयान और महायान में से डिवीजन इन्हीं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स में से हुआ था, लेकिन अब ये आप फिगर आउट करके बताएंगे कि वो कहाँ हुआ था, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकैवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये सील होगा आंसर, क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल मतलब क्या, सील मोहर, मोहर जो हम लोग डालते हैं
ये कहाँ पड़ता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी में ही होगा ना, अब सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, कोई भी इकोनॉमी का काम हुआ तो। हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस, और इसका आंसर होगा मैत्रिया, मैत्रिया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि बुद्धिज्म जो हुआ, बुद्धा को किस भगवान का, किस हिंदू देवता का इनकारनेशन बोला जाता है, तो वो होगा लॉर्ड विष्णु। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क। अच्छा मैंने अभी आपको बताया ना कि बुद्धिज्म में चार काउंसिल्स हुए थे, जो मैंने बोला कि राजगीर में हुआ, RVPK, तो एक चीज़ और आप याद करिए, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनिष्क, अब इनका आपको, सॉरी कश्मीर, अब इनका मैं आपको जो जिनको हेड किया ना उनके बारे में भी बता देती हूँ किसके टाइम पीरियड में हुआ। तो आप एक करिए इसको AKAK ऐसे करके याद करेंगे तो इजीली याद होगा। ए फॉर अजात शत्रु, के फॉर काला अशोक, ए फॉर अशोका, के फॉर कनिष्क, ठीक है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क के टाइम पीरियड पे हुई थी, और आपको पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर किसने किया था, वो सबाकमी ने किया, सॉरी वो लास्ट में किया गया था अश्वघोष घोष के टाइम पे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वासुमित्रा भी उनके चेयरपर्सन थे, तो आपको ये जो सेकंड ऑप्शन, आई एम सो सॉरी, आपको ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्रा, ये सब कनिष्क के ऑटोमेटिकली कंटेम्प्रेरीज हो गया, क्योंकि कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन, वासुमित्रा, और डेप्यूटी चेयरमैन कौन, अश्वघोष, ठीक है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अश्वघोष ने एक बुक लिखा था, उसका नाम है बुद्धचरिता, बुद्धचरिता, ठीक है। विच रूलर्स बिल्ट इलोरा टेम्पल्स, तो इलोरा टेम्पल्स किसने बनवाया था, राष्ट्रकूटा ने बनवाया था, कृष्णावन, राष्ट्रकूट रूलर कृष्णावन ने। हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो नेम्ड एज देवम प्रियादर्शी, ये होगा अशोक का नाम, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे ना उसको जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था पहले, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग, अब भी हमने किया था कुछ देर पहले बुद्धिज्म, तो देखिए आपको ये भी पता चलेगा ना कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, या तो आप उसको नोट कर लीजिए, या फिर आप उसको अच्छे से रिलेट करके याद कर पा रहे हो, कि फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको ऐसे रट नहीं जाएगा, तो आपको धीरे धीरे करके उसको रिकॉल करना पड़ेगा, एंड नोट डाउन कर लेने से, नोट्स बनाने से ना ऑटोमेटिकली वो इन वो कॉग्निजेंस वाला सिस्टम काम करता है ब्रेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाई आर्या, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ब्लैक स्मिथ का काम क्या होता है, आयरन का, और लोहा जो है ये सबसे लास्ट में मिला था, तो इसका आंसर तो होगा ब्लैक स्मिथ। सबसे पहले जो खोजा गया ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कि कॉपर उस टाइम ढूंढ ली गई थी, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन द ईयर, तो इसका आंसर होगा 412 AD। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था आपको पता है, इसको लिया गया था उपनिषद से, स्पेसिफिकली किस उपनिषद से, मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद। अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते को निकाला किसने था, इसको निकाला था मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी आपको पता है द लिबरल बोल के एक न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर भी थे, और द लिबरल जो थे ना, जो मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट में जो डिवीज़न हुआ था, वो जो लिबरल लोग थे उनका माउथपीस था, ठीक है, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, वो द लिबरल्स के, तो वो मतलब वो लिबरल थे, लेकिन द लीडर होगा जो न्यूज़पेपर है उसका नाम लीडर होगा, LEADER, ओके, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, इसको किया किसने था, दयाराम सहानी जी ने, और वो होगा हरप्पा। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ एट कैलाशा इज एट, इट वॉज बिल्ट एट इलोरा। एपीग्राफी मीन्स, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा इतने टाइम से पढ़ रहे, तो ग्राफी मतलब क्या, अब एपीग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। Which among the following has not been found in the excavation of Harappan sites?
तो देखिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ना टेम्पल्स विद शिखर ये सब नहीं था, क्योंकि वो लोग पशु वो लोग ना मतलब स्टोन्स और इन सब का पूजा करते थे। अभी वो मंदिर और इंस्टीट्यूशनल वे में देवी देवताओं का पूजा नहीं हुआ होना शुरू हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग मठ इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म? आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, अब इसको स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? सो इसका आंसर होगा चैत्य। अच्छा, चैत्य और विहार, देखिए आप जैसे देखते होंगे ना कि गोविंद विहार, पार्वती विहार ऐसे करके आप देखते हैं, वो क्या है? विहार मतलब रहने का जगह और चैत्य मतलब चिंतन मनन करने का जगह, ठीक है? चलिए, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ स्टैचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड? तो ये कहाँ था पता है आपको? ये बामियान में था। बामियान कहाँ है? अफगानिस्तान में। और 2000 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया था तो इस बामियान के स्टैचू को, जो कि इतनी साल पुरानी है, उन लोगों ने इसे विध्वंस कर दिया था। द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द एरिया इन द ईयर, इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर इन 1922। दयाराम सहानी, मैंने अभी बताया था आपको। इंडियन नेपोलियन का टाइटल किसके पास है? समुद्रगुप्त। आप देखिए क्वेश्चंस को मैं पढ़ाते जा रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करिए जितना हो, और रिकॉल करिए, लेक्चर को बार बार सुनिए। और मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, आप PDF जो है इसका लेके, आप जब लेक्चर को सुन ले रहे हैं तो दूसरी बार तीसरी बार इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लें, और मैं जान मुझ के आंसर्स मार्क करके नहीं दूंगी, सो दैट आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? द आजीविकाज वेयर, अब आजीविका क्या थे? आजीविका वॉज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ओके? द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ स्टोन। वॉज प्रूव्ड बाय स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हाउ वॉज बर्मा नाउ म्यांमार? अच्छा, तो इससे आपको एक और क्वेश्चन का पता चलता है कि म्यांमार का पहला नाम क्या था? बर्मा। नाउ नोन टू एंशियंट इंडियाज, तो इसको हम लोग क्या जानते, मतलब इसका नाम क्या था? उसका नाम था स्वर्ण भूमि। एग्जाम में ना आप स्वर्ण द्वीप से कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ, देखिए भूमि मतलब क्या होता है? लैंड। और द्वीप मतलब क्या होता है? आइलैंड। सो म्यांमार तो आइलैंड नहीं है ना, म्यांमार तो भूमि है, तो स्वर्ण भूमि होगा इसका आंसर। विथ होम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड, तो ये आप मुझे बताइए किसका होगा? ये होगा रुद्र दमन का। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन, अब मेरे को एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था नालंदा, नालंदा किसने बनवाया था? याद करिए, मैंने आपको बताया था कुमार गुप्त वन, और ये था स्पेसिफिकली बुद्धिज्म में। आपको पता है नालंदा किसने तोड़ दिया था? नालंदा को बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। द रथाज ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ पल्लवाज। ये लोग साउथ इंडिया की डायनेस्टीज हैं, ठीक है? हु इज हेल्ड एज गॉड ऑफ मेडिसिन, तो ये ना हम लोग इसका आंसर धन्वंतरी मार्क करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सुश्रुत, चाणक्य, ये लोग सब somehow मेडिकल से रिलेटेड हैं। लेकिन सुश्रुत को क्या बोला जाता पता है? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। और चरक को बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है? सॉरी, ये आपका मेडिसिन से रिलेटेड है। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, इसका आंसर होगा लोथल, ठीक है? लोथल वॉज द साइट। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्य इन द वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में चालुक्य उसको किसने सक्सीड किया था? तो वो होंगे राष्ट्रकूटस, ठीक है? अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ तक एक्सटेंशन हुआ था? इंडस रिवर तक। अच्छा, आपको पता है सीक्वेंस में कहाँ कहाँ से होता है? इंडस, IJC, ये। अच्छा, आपको मैं बता दूँ IJC क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हाग में। हाग कहाँ है? नीदरलैंड्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है? तो सीक्वेंस कैसे हुआ? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और हम लोग ना इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुने होंगे, पाकिस्तान के साथ पानी शेयर करते हैं, तो इंडस, झेलम और चिनाब का पानी हम लोग उनको देते हैं, रावी, ब्यास, सतलज हम लोग खुद यूज़ करते हैं, ओके? चलिए, प्रिंस इलारा कॉन्क्वेस्ट कॉन्कर्ड श्रीलंका इन 2nd सेंचुरी BC।
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द्रविड़ा रूला वॉज ही एसोसिएटेड. ठीक है, अच्छा द्रविड़ा के बारे में पता है, ये साउथ ईस्ट सदर्न इंडिया को द्रविड़ा से एसोसिएट किया जाता है. तो ये इसका आंसर होगा प्रिंसिलारा का चोला. ठीक है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज हिज रिलीजियस असेंबली एक्ट. हर्षा एरा आप बता सकते हैं कब शुरू हुआ था? ये 606 में शुरू हुआ था हर्षा एरा. ठीक है, अच्छा इसका आंसर हुआ प्रयाग. प्रयाग मतलब कि अभी का इलाहाबाद. विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एबसेंट इन द टेराकोटाज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए. इसका आंसर होगा काऊ, क्योंकि मैंने भी आपको कुछ देर पहले बोला था कि काऊ एब्सेंट थी. विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट. बुद्धिस्ट का ना त्रिपिटक था. त्रिपिटक कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था? पाली. और आपको पता है जैन की लैंग्वेज क्या थी? वो थी प्राकृत. ठीक है, और जहाँ तक भी ना बुद्धिज्म से रिलेटेड, लेकिन इसमें फेबल्स होते हैं, और वेदास और उपनिषद्स तो हिंदुज़म से रिलेटेड है. द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुशान पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ. कुशान किनके फील्ड, मतलब कौन से फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए थे? तो वो थे आर्ट, क्योंकि आपको मैंने जो बताया था कि अभी कनिष्क के टाइम पीरियड पे वो महायान बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा आर्क बामियान में भी बना था स्टैचू एंड ऑल, तो वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे. हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? श्रीगुप्त. और रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता जो है वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य. और श्रीगुप्त का बेटा होगा घटोत्कच. घटोत्कच का बेटा है चंद्रगुप्त वन. ठीक है, विच अमंग द विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडल. ये कौन सा होगा? इसका आंसर आपको मैं एक ट्रिक के साथ बताती हूँ ये कैसे याद करना है. आप एक काम करिए, ये सी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सी देख रहे हैं यहाँ पे, आंसर चुप से मार्क कर दीजिए चाहुंदारू. ठीक है, अशोका कॉल्ड द बुद्धिस्ट काउंसिल एक्ट. ये आपको याद करना पड़ेगा. ये देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको ना, आर वी पी के, और ये हो गया था ए के. देखिएगा, आपको मैं दिखा सकती हूँ कि मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके काम लगने वाले हैं. ये क्वेश्चंस आएंगे. ये देखिए सीजीएल में पूछ लिया है ये क्वेश्चन को. तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, और ये था कश्मीर कुंडलग्राम. तो ये क्या था? अशोक. ये क्या था? सॉरी, ये क्या था? अजात शत्रु. ये क्या था? काला अशोक. ये क्या? अशोक. और ये है कनिष्क. तो यहाँ क्या पूछा है? अशोक. अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई है. कहाँ कराई है? पाटलिपुत्र में. पी. ओके, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर का ट्यूटर कौन? एरिस्टोटल. ठीक है, और एरिस्टोटल का ट्यूटर कौन? एरिस्टोटल का ट्यूटर सोक्रेट्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स बिलोंग टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर. अब संस्कृत लिटरेचर में कौन सा पड़ेगा? आपको मैं बता दूं कि कालिदास जो है ना वो संस्कृत में लिखते थे, और कालिदास की बुक इसमें से कौन सी है? वो है मेघदूतम. कालिदास ने और भी बुक्स लिखे हैं, जैसे ऋतु संहार. ठीक है, हु प्रपाउंडेड द एट फोल्ड पाथ. एट फोल्ड पाथ क्या होगा? वो किसने किया था? गौतम बुद्ध जी ने. बुद्ध जी ने बताया था कि एट फोर अष्टांगी का मार्ग बोलते हैं इसको. द नंबर सिस्टम जीरो वॉज इन्वेंटेड बाई. जीरो किसने इन्वेंट किया? ये तो आई गेस सबको पता होगा, आर्यभट्टा. चरक वॉज द, अभी मैंने चरक सुश्रुता इनके बारे में पढ़ाया था ना, तो चरक किसके कोर्ट में था? चरक था कनिष्क के कोर्ट में. बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाई अलाइंग टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन टू इट्स फोल्ड. अब ये लोग कौन कौन थे? वुमेन एंड शूद्रास. आपको पता है कि हिंदुज़म में ना लेटर पार्ट में देखा गया कि सती सिस्टम जैसे प्रैक्टिसेस, कास्ट सिस्टम जैसे खराब कुरीतियाँ, ये सब अपनाया जा रहा था. तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बेसिकली उभरा ही इस चीज़ के लिए था, क्योंकि वो लोग जो हिंदू धर्म के जो खराब चीज़ें थी ना, इसको अब्जॉर्ब करना चाहते थे. और ये जानते हैं आप कि गौतम बुद्ध ने वुमेन को कहाँ से एंट्री दी थी? किसके कहने पे? उनके फेवरेट शिष्य थे, स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे आनंद, उनके कहने पे वुमेन को एंट्री दी थी. द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटीरियल इन एंशंट टाइम. इसका आंसर होगा पाली. इंडियाज ट्रेड विथ रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाई हुनाज. हुनाज ने किया था. मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वेर डेडिकेटेड टू शिवा. अब इसके थ्रू आप एक और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. आपको मैंने बताया था कि चोलाज जो हैं ये लोग थंजावुर का टेम्पल बनवाए थे, तो आपको याद आना चाहिए. अच्छा, आपको पता है कि चोला का
चोलास का पोर्ट कौन सा था? चोला का पोर्ट था पुहर. बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच, अच्छा गुड, विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ. मैं आपको बता दूं कि बुद्धा के लाइफ में ना, गौतम बुद्ध के लाइफ में चार ऐसे स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जो सिग्निफाई करते हैं कुछ ना कुछ. आपको पता था कि वो बुल का होगा बर्थ, और इसको आप याद कर सकते हैं बी और बी सी, ठीक है. अब ग्रेट डिपार्चर, तो ग्रेट डिपार्चर वो किस में गए थे? वो रथ में चल के गए थे. तो जो हॉर्स चैरियट था ना, चन्ना के साथ गए थे. कंथक घोड़ा था और चन्ना जो है उनका चैरियटर था, वो डिपार्चर. तो इसका क्या होगा? वो चैरियट, ठीक है, हॉर्स चैरियट. इनलाइटमेंट कहाँ मिली इनको? मैंने आपको बताया था बोधि ट्री के, तो जो बोधि ट्री है ना वो आपका इनलाइटमेंट ये करते हैं. और महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूपा, स्तूपा मतलब महापरिनिर्वाण मतलब इनको जो है कुशीनगर, कुशीनगर में आपको बताया ना कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो वहाँ पे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन मोनार्की अंडर अशोका? तो इसका आंसर होगा इनलाइटेड डेस्पोटिज्म, ठीक है. द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वाराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ. वाराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये सब गुप्ताज के टाइम पे थे. गुप्ताज वेर अडोन्ड. आपको मैं बता दूं कि कालिदास भी गुप्ताज के टाइम पे ही थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके कोर्ट में थे. लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज फाउंड. ये आपको मैंने बताया था कि डॉकयार्ड मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. बुद्धा मीन्स द इनलाइटेड वन, ठीक है. और आर्विन ऑल्ड्रन ने इनको बोला था बुद्धा द लाइट ऑफ एशिया. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर वट? ये होगा इसका आंसर कंबोडिया. हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पिलर ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त. अच्छा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इलाहाबाद में क्या है? संगम है, तीन नदियों का संगम. आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से तीन नदियों का संगम है, ठीक है. तो समुद्र और नदी ऐसे करके याद कर सकते हैं. द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, इनका क्या था? मैंने आपको बताया था कि ये कास्टलेस सोसाइटी है, तो फोर तो होगा नहीं. और ये लोग अभी भी ना ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा फार्मिंग एकदम ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो पैस्टोरल फार्मिंग नहीं, सिटी लाइफ था नहीं इनका. अर्बन ज़रूर था लेकिन सिटी वैसा नहीं बोलेंगे, ठीक है. लेकिन आई एम सो सॉरी, इसका ये सिटी लाइफ होगा, इनका ऑर्गेनाइज्ड अर्बन था इस वजह से. और इसका आंसर हुआ बॉम्बे, मतलब बी. नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास. पल्लवास का कैपिटल क्या होगा? पल्लवास का कैपिटल होगा कांची. द वर्ड वेदास मीन, वेदा मतलब होता है नॉलेज, ठीक है. विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाई वैदिक पीरियड? अभी मैंने बताया था कि आयरन जो था वो सबसे लास्ट में मिला था, तो आयरन तो इसका आंसर का तो ये होगा नहीं. अब आया गोल्ड, सिल्वर और कॉपर. तो सबसे पहले जो हुआ था ना वो होगा सिल्वर. अरब्स वेर डिफीटेड इन 738 बाई 738 में अरब्स को किसने किया था, डिफीट किया था? चालुक्याज ने. इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर 261 BC. The caves and rock cut temples at Ellora are, इसका आंसर होगा आपका 4. इसमें बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू सारे टेम्पल्स हैं. मैं आपको बता दूं कि इलोरा में ना 34 केव्स हैं इन टोटल, जिसमें हैं 5 जैन केव्स, 17 हिंदू केव्स और रिमेनिंग हुए बुद्धिस्ट केव्स. अब आप कम से कम क्वेश्चंस को समझिए, याद करने की कोशिश करिए. द 7 पगोडाज ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस टू द आर्ट ऑफ, ये अभी मैंने बताया था ना कि महाबलीपुरम में क्या, कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका आंसर पल्लवा. देखिए, आपको क्वेश्चंस इंटर रिलेट करने पड़ेंगे, एंड मैं बिलीव मी अगर आप ये करते हैं तो आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं. नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, तो बुद्धा कौन से क्लैन, किस कुल के थे? उनका आंसर होगा साक्य. इनको इसलिए ना साक्य मुनि भी बोलते हैं, साक्य मुनि, MUNI. ओके, हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी? कादम्बरी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने. बाणभट्ट किसका पोएट था? कुछ देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हर्षवर्धन का, ठीक है.
और आप रिलेट करिए हर्षवर्धन के साथ फिर क्या हुआ था, हर्षवर्धन ने शशांक को मारा था क्योंकि शशांक ने बोधि ट्री कटवा दिया था, मतलब ये रीज़न नहीं था, शशांक ने बोधि ट्री कटवाया था और हर्षवर्धन ने मारा था क्योंकि राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई है और राजश्री के हस्बैंड को, राजश्री जो कि हर्षवर्धन की बहन है उसके हस्बैंड को शशांक ने मार दिया था। आप इंटर रिलेट करके पढ़िए, आपको सब कुछ आएगा, बिलीव मी। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिट, तो फाहियान कब आया था पता है, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, मतलब इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कॉमन टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेज ऑफ, सेंट थॉमस कब आया था, सेंट थॉमस का नाम जो स्कूल है सेंट थॉमस चर्च है इन्हीं के नाम पर, ये एक्चुअली प्रतिहांस के टाइम पर आए थे। The people of Indus Valley Civilization usually built the houses of, ये अब कैसे बनाते थे आपको पता है, ये ना बहुत ज़्यादा पक्का ब्रिक्स के से बनाते थे अपने houses, बहुत अच्छी होती थी इनकी घरें। Who started the Saka era, अभी मैंने बताया था किसने किया था, कनिष्का ने 78 AD में किया था। In which state was the Nalanda University located, नालंदा किसने बनवाया था, नालंदा बनवाया था कुमार गुप्तवन ने, कुमार गुप्तवन कौन से डायनेस्टी का रूलर था, कुमार गुप्तवन गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था। अब ये मुझे बताइए कि नालंदा कहाँ अवस्थित है, नालंदा है बिहार में अवस्थित। विच इवन ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसे चेंज हुआ था, कलिंग का वॉर, कलिंग के वॉर में इतना ब्लड लॉस देखा अशोका ने कि वो एकदम चेंज हो गया, उनको समझ में आ गया कि ये करके कोई फ़ायदा नहीं है युद्ध करके। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, तो ये होगा उपागुप्त, उपागुप्त के इन्फ्लुएंस में अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया था। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाई, अच्छा हर्षवर्धन ने शशांक को मारा, हर्षवर्धन को किसने ये किया था, डिफीटेड बाई पुलकेशिन, और आपको पता है कि पुलकेशिन टू को किसने ये किया था, नरसिंहवर्मन वन में, और नरसिंहवर्मन जो वन है पल्लव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और पुलकेशिन वन चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू के लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा, और पुलकेशिन टू और नरसिंहवर्मन वन के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना वो उसको बोलते हैं बैटल ऑफ मणिमेघला, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ताज आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे तो मैंने इसको NOT एकदम कैप्स में लिख के रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में नहीं रहेगा और बच्चे यहीं गलती करते हैं। इसका आंसर होगा द किंगशिप वॉज हेरिडिटरी एंड द थ्रोन वेंट टू द एल्डेस्ट सन, नहीं ऐसा बात नहीं था कि सबसे बड़े बेटे को ही देंगे, एंड गुप्ता का जो रूल आप देखेंगे ना द रूल्ड मेनली ओवर द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ये करेक्ट है एक्चुअली, तो ये रॉन्ग नहीं हुआ, एंड द जुडिशियल सिस्टम वॉज एट फार मोर डेवलप्ड देन द अर्लीस्ट टाइम, लैंड टैक्सेस इंक्रीज एंड द ट्रेड ऑफ कॉमर्स डिक्रीज्ड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कम्पोज बाई हर्षवर्धन, अच्छा हर्षचरिता तो अभी मैंने बताया कि बाण भट्ट होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब मुझे आपको पता, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या था, इसका क्वेश्चन क्या था, नॉट, तो इसका आंसर क्या हुआ, हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ये सब किसने लिखा है, ये खुद हर्षवर्धन ने ही लिखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर किसका है पता है, अशोक का है, ठीक है, सांची में अवस्थित है, ये होगा हम्प्ट बुल, ठीक है। द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज बाई हर्षा वॉज हेल्ड इन द फेवर ऑफ ह्यूनसांग, एच से हर्षा, एच से ह्यूनसांग, ह्यूनसांग आया था, फाहियान बताइए मुझे अब कहाँ कब आया था किसके रूल में, अभी मैंने बताया था फाहियान आया था विक्रमादित्य जो कि चंद्रगुप्त टू है जिन्होंने उपाधि ली थी चंद्र विक्रमादित्य की उनके टाइम पे आया था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 100th क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, ये भी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कराया था, तो वो होगा कॉपर, ओके। चलिए सो आई स्टिल सजेस्ट यू कि आप PDF को लें, आप PDF को डाउनलोड करें, पढ़ें, एंड उसके बाद वीडियो को दो बार देखने के बाद कुछ टाइम बाद 15 डेज बाद अराउंड इसको प्रैक्टिस सेट की तरह यूज़ करें, ओके। चलिए थैंक यू सो मच।